इंडिया में पुलिस वालों को द्वारा किसी भी आम जनता को बिना किसी खास वजह के थप्पड़ मार देना बहुत ही आम बात है। तो ऐसे केसेस में जो कॉमन पब्लिक है उनके पास क्या राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स की अगर बात करता हूँ तो देखिए, सबसे पहले चीज आप ये समझ लीजिए, बिना किसी वैलिड रीजन के जब तक आपने कोई अपराध या कोई गुनाह नहीं किया है तो पुलिस आपको थप्पड़ मारना तो दूर की बात, वो आपको टच तक नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कमी क्या रहती है कि हमें लॉस के बारे में पता नहीं है जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं। पहली चीज तो आपने क्या करना, अगर आपको वो सामने से कोई थप्पड़ मार भी देता है बिना किसी कसूर के तो आपने पलट करके उनको थप्पड़ नहीं मारना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने एरिया के एसपी या फिर एसएसपी को के रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकते हो जो भी सीन वहां पे क्रिएट हुआ, उसके बाद में अगर वो तो कोई एक्शन लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऑनरेबल कोर्ट में मूव कर सकते हो, जिसमें अगर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है तो वो क्या करेंगे कि वो जो भी उनके सीनियर ऑफिशियल्स उनको इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देंगे। और अगर जो ऑर्डर रहता है अगर ये सही पाया जाता है तो सेक्शन 166 तो आईपीसी के तहत ऐसे पुलिस वाले को यहाँ पे 1 साल तक की सजा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ भी है जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का माइंड में ये चीज आए कि वो तो ठीक है कि हम पुलिस वाले के अगेंस्ट रिटर्न में कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर वहां सुनवाई नहीं होती है, तो बात तो यहाँ पे ये आएगी अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पास प्रूफ क्या होगा, बिना प्रूफ के तो कोर्ट हमारी बात मानेगा नहीं। जी बिल्कुल सही है, प्रूफ तो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, वो प्रूफ किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हो, पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें जहां पे भी ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे आप ये देखिए कहीं पे किसी दुकान में या कुछ भी कहीं पे अगर सीसीटीवी फुटेज, अगर आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है तो वहां से वो फुटेज निकलवा लें तो आपका काम यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई आस पड़ोस में वहां पे मौजूद था जिसने इंसिडेंट को देखा हो तो आप उसको विटनेस बना सकते हैं। उसके बाद में ये भी चीज है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालोगे उसके आसपास जो भी शॉप दुकान वहां पे आप ये भी जाकर पता कर सकते हो, जब ऐसे केसेस होते हैं तो कोई ना कोई उसकी वीडियो जरूर बना लेता है अगर सीसीटीवी कैमराज नहीं भी लगे होते हैं। तो इस तरीके से 3-4 वेज जहां से आपको अपने फेवर में एविडेंस इकट्ठे कर ले, तो अगर आपके पास एविडेंस मिल जाता है देन डेफिनेटली आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए और इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए और डेफिनेटली यहाँ पे आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपको यहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा। और डेफामेशन का भी वो एक अलग से बन जाएगा था, वो एक चीज बाद में आएगी, या तो आप क्रिमिनल के थ्रू जा सकते हो आईपीसी 166 के तहत, या फिर डेफामेशन में भी दो चीजें आ जाएंगी, या तो आप कंपनसेशन ले सकते हो या फिर उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है उसके थ्रू भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपके पास जबरदस्ती हो रहा है तो उसके लिए आपने चुप नहीं बैठना, रही बात जहां कहीं आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको मारने से पहले आप उनको एक बार ये बता दो कि अगर आप मेरे को बिना वजह मारोगे हरास करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट यहाँ पे एसपी एसएसपी को कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ, मैं कोर्ट में मूव कर सकता हूँ, तो ऐसी नौबत आएगी भी नहीं। क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि इस बंदे को लॉ के बारे में पता है तो वो आपको कभी भी कुछ भी गलत या फिर कोई भी इलीगल चीज आपके साथ हो नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आपके जो भी राइट्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो बस लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।